वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया। हर बार की तरह आज भी मैं अपनी आपकी होस्ट एंड दोस्त आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ, लेकिन हाजिर कहाँ हुई हूँ ये आपको बताना ज़रूरी है। जी हाँ, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और उसी के मद्देनज़र एक पहचान की ओर से बहुत ही बेहतरीन एग्जीबिशन कम सेल का लगाया गया है, यहाँ पर आयोजन किया गया है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक से बढ़कर स्टॉल्स लगाए गए हैं। अपने दर्शकों को बता दें, एक पहचान की तरफ से ये एग्जीबिशन कम सेल लगाया गया है, जहां पर रंग बिरंगी रक्षाबंधन के अलावा तरह तरह के गिफ्ट्स आइटम्स भी यहां मौजूद हैं। आपको बता दें, रुचि जी एंड रूबी जी, इन दोनों ने मिलकर ये एग्जीबिशन को आगे बढ़ाया है। दो दिनों का ये एग्जीबिशन है। अब मैं आपको बताती हूं, बीका बैंक्वेट में हम हैं जो बेलूर के रंगोली मॉल में है और यहां पर आए हुए हैं। हम दर्शकों को बताते हैं कि अगर आप रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट करने वाले हैं तो दो दिनों का ये एग्जीबिशन लगने वाला है, जो बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है आपके लिए। यहां पर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ देखिए जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहाँ ही हर तरह के स्टॉल्स नज़र आएंगे, जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाएंगे। खासकर महिलाओं के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर देखिए बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स मौजूद हैं। अगर आप एक्सेसरीज देना चाहते हैं अपने, जैसे कि हम सभी जानते हैं भाई बहनों का अटूट पर्व है रक्षाबंधन और साल में एक बार आता है, तो इसे क्यों ना बहुत ही मज़े से सेलिब्रेट करें, ये एग्जीबिशन में आइए। क्या पता आपको अपने भाई के लिए या अपनी बहन के लिए बहुत ही बेहतरीन उपहार देने के लिए मिल जाए, जो आपके बंधन को और भी अटूट बनाएगा। सो गाइज, इस वक्त श्रुति धर जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातें करते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बताइए कि यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ। रूबी ने हमारे नवसंध्या में मेंबर भी है, वेरी एक्टिव मेंबर है, मेरे लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 300 मेंबर्स हैं, तो शी इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट वन। तो मेरे को इसने बोला था फर्स्ट टाइम, मैंने कहा इस बार मुझे जाना ही जाना देखने के लिए। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई जस्ट कम, अभी आई हूँ और अभी इनसे मिली हूँ, मम्मी से मिली इनके, और अभी सब जगह नहीं गई हूँ, बट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। लेने का तो मैंने अभी सोचा नहीं है कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ये कह के मैंने इनको बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली मैं ना मैं शॉपिंग करती नहीं हूँ मैं इतना, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं फ्री हूँ तो डेफिनेटली करूँगी, नहीं तो अदरवाइज मैं कभी शॉपिंग के हिसाब से कभी बाहर नहीं गई, टाइम ही नहीं होता है कभी। बट इसके आई हूँ तो जरूर, इसके जो स्पेशल मालूम है ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छा है। माई डॉटर उसने ऑलरेडी पहना हुआ है, उसने दिया था ये। हाय, माय नेम इज स्मृति। स्मृति, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है यहाँ आगे? सच बताओ तो एंट्री से यही पता चल जाता है कि वाइब्रेशन कैसी होगी, एंड इट इज़ सो पॉजिटिव, सो कलरफुल, इट इज़ लुकिंग सो ब्राइट। आई एम श्योर अभी हम जैसे जैसे जाएंगे तो विल फील इवन मोर बेटर। एग्जैक्टली, तो यही है कमाल यहाँ पर एक पहचान की। यहाँ पर जो भी लोग, जो भी महिलाएं आती है, इवन जो भी पुरुष भी आएंगे, वो अपना ही एक अलग ही पहचान में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा वाइब्रेंट ही मौजूद है। जो भी आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप भी आइए और इस एग्जीबिशन कम सेल का हिस्सा बनिए। और मेरी बहू 5 साल से कर रही है, बहुत अच्छा आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कितना से मतलब इतना परिचय करा दिया और कितना से इतना प्रेम भाव से, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूरा वेरी मच इंजॉइंग, प्लस इसमें मार्केटिंग है, बिजनेस है, बहुत कुछ सीखने मिलता है अपने को। कॉन्फिडेंस आता है, इंडिपेंडेंट होता है इंसान अपना, खुद अपने ऊपर। सो इस वक्त हमारे साथ दो ब्यूटीफुल लेडीज़ मौजूद हैं, रिचा जी एंड रूबी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ टैग इंडिया। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये एग्जीबिशन जो लगाया है रक्षाबंधन के मौके पे, क्या सोच के लगाया ये? हमने एग्जीबिशन लगाया कि जो लेडीज़ घर के अंदर बैठी हुई है वो बाहर आए। ये हमने हावड़ा में इसलिए किया, यहाँ की लेडीज़ लोग बहुत कंजर्वेटिव है, बाहर जल्दी से कोई निकलता नहीं है, तो हम चाहते सब बाहर आए, बाहर आकर काम करें, अपना काम जो लोगों को दिखाए, पता चले। और हमारे यहाँ ये 7th एडिशन है, हम साल में 3 एग्जीबिशन करते हैं, एक सिंधारा का करते हैं, एक दिवाली करते हैं, एक राखी के ऊपर करते हैं। तीन एग्जीबिशन। और आप बताइए कि ये जो महिलाएं जो घर से नहीं निकल पाती हैं, खास उसके लिए ये जो यहाँ पे जो राखियाँ उपलब्ध हैं वो कहाँ से तैयार की गई है?
ठीक है, यहाँ पे जो भी राखी है, जो भी स्टफ्स है, बहुत सी लेडीज़ लोग हैं कि घर में अपने अपने बनाती है, काम करती है, तो घर से तो ठीक है सेलिंग होता ही है, बाहर निकल के सेलिंग करने में देखिए बहुत फ़र्क है, उनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, सेलिंग अच्छी होती है, तो उन्हें भी खुशी मिलती है। कितने स्टॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे? हमारे 50 स्टॉल्स लगे हुए हैं। क्यों लगाए और ज़्यादा लगाना चाहिए रहे, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं अगर वो मिस कर गई तो वो कैसे? नहीं, हमारा फिर सेकेंड और लगेगा दिवाली के ऊपर, तो वो उसमें फिर ट्राई कर सकती हैं तब। और दो दिन हम लोग इसलिए लगाते कि सभी लेडीज़ घरेलू है, तो सब ज़्यादा दिन तो सभी नहीं निकल पाते हैं, इसलिए तो दो दिन तो सभी निकल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मस्ती भी हो सकती है, यहाँ पे हो जाती है, सभी कुछ हो जाता है। और एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, शॉपिंग भी हो जाएगी, खाना पीना भी है, मस्ती भी है। आप, अब रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप अपने भाइयों के लिए क्या कुछ प्लानिंग की? ये तो चलिए एक विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है, कला को निखारना है, हर चीज़ है, आप लोग अपनी, एक पर्सनली व्यक्तिगत सवाल है आपसे, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करने वाली है रक्षाबंधन? हम बहुत अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, वो हम करेंगे ही। अभी हमने अपने भाइयों के लिए कुछ प्लान ही नहीं किया, क्योंकि अभी हम दूसरों के लिए प्लान कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा एग्जीबिशन सक्सेस हो जाए, सब कोई आए, उसके बाद हम अपनी शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। हम भी यहीं से शॉपिंग करते हैं, राखी है भाइयों के लिए, टी शर्ट्स है, गिफ्ट आइटम, हम भी यहीं से सब शॉपिंग करते हैं। इसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? जैसे आपने बताया कि दीपावली को लेकर आप लोगों ने सोचा है, तो क्या प्लानिंग की है? अक्टूबर में हम कर रहे हैं, इसी वे में करेंगे, कुछ डिफरेंट कुछ करेंगे। जैसे इस समय भी हमारा कुछ कुछ हम ऑफर निकालते हैं, लो ऑफर बोल करके हैं, जो हम हर एक घंटे के अंदर लॉटरी निकालते हैं यहाँ पे, लोगों को गिफ्ट कर देते हैं, और जिसका सबसे अच्छा ज़्यादा सेलिंग होता है लास्ट में, हम उनको भी गिफ्ट देते हैं। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट हम लोग हर साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं यहाँ पर। तो आपके इस एग्जीबिशन में लोग क्यों आए, क्या मिलेगा उन्हें? उन्हें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, देखिए जगह भी बहुत अच्छी है हमारी, और हावड़ा जैसे एरिया में सबको ऐसे लगता है कि क्या कुछ हो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आके जब देखते हैं लोग तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और प्लस यहाँ पे जो रंगोली बी का बैंक्वेट है वो बहुत अच्छा है, तो उसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर सब हैंडमेड सारी चीज़ें हैं, क्या ब्रांड है और प्राइस कितनी है, कितने तक में उपलब्ध है? सब तरह के प्राइजेस है यहाँ पर, यहाँ 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, 4,000-5,000 तक है। हर चीज़ का अपना अपना डिफरेंट चीज़ है, हर चीज़ के अपने अपने अलग अलग तरीके से सब सेल कर रहे हैं, कोई 50 में भी सेल करे, कोई 100 में भी करे, कोई 500 में भी करे, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। तो आप वैसी महिलाओं को भी मौका देना चाहेंगी जो सोच रही हैं कि उनके अंदर टैलेंट है, वो कल निखारना चाहती हैं, अपनी कला को प्रेजेंट करना चाहती हैं, ऐसे लोगों के लिए भी? हमने ये चीज़ उन्हीं के लिए किया है कि जो घर पर है वो घर से सेलिंग करती है, हम चाहते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे कि वो घर से बाहर निकले और यहाँ आए, यहाँ आ करके सेल करे अपना, तो उनको कस्टमर भी मिलेंगे और उन लोगों को एक आइडिया भी होगा और फिर एक प्रोत्साहन भी लोगों का बढ़ता है कि चलो हम बाहर निकल रहे हैं। आप दोनों के हिसाब से एक महिला के लिए क्या अच्छी मैसेज होनी चाहिए विमेन एम्पावरमेंट के लिए? हम लोग की तरफ से यही मैसेज है कि सभी महिलाएं जो भी काम करती है अच्छे से करें, मन से करें, और आगे बढ़े वो अपने बिजनेस को, अपने काम को, सभी को आगे बढ़ाए। मेरा भी सेम ही है कि जो लेडीज़ घर पर है वो बाहर निकले, आज के ज़माने में जो भी अभी चल रहा है मनी बहुत मैटर करता है और सब लोग मनी माइंडेड हो गए हैं, तो एक जन अगर इनकम कर रहे तो घर नहीं चलेगा, दोनों को इनकम करना चाहिए, दोनों को हाथ से हाथ मिला करके चलना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि नहीं, उन लोगों की मैंटेलिटी थी जेंट्स बाहर जाएंगे लेडीज़ घर में बैठेंगे, लेकिन हम ये करके दिखाना चाह रहे हैं लोगों को नहीं, आज की दौर में कोई भी लेडीज़ किसी से पीछे नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ कर सकती है, आगे निकल सकती है और अपने पैर पर स्टैंड हो सकती है। सभी फील्ड में महिलाएं सभी फील्ड में आगे है, तो सभी चीज़ में आगे रहने चाहिए। बिल्कुल सही कहा है, आजकल की जो महिलाएं हैं वो न सिर्फ अपने घरों तक ही सीमित है बल्कि वो अंतरिक्ष में भी जा रही हैं और अंतरिक्ष में चांद तक और मंगलयान तक पहुंच चुकी हैं, तो आज की महिलाएं वैसे कभी किसी से कम नहीं है। फिलहाल हम स्टॉल में आए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। स्नेहा जी, आपने क्या चीज़ का स्टॉल लगाया? मेरा इमिटेशन ज्वेलरी का स्टॉल है, अपने लोग का शॉप है हावड़ा गगनांचल मार्केट में, सनफ्लावर बोल के अपना शॉप है। क्या खास बात है आपके स्टॉल में? मेरे स्टॉल की खास बात है कि अपने लोग प्रीमियम प्रोडक्ट रखते हैं, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी है अपना, और फैंसी कलेक्शंस काफ़ी है, ट्रेडिशनल कलेक्शंस भी काफ़ी अपने इधर देख सकते हैं। थिंग ऐसे तो अगर फैंसी कलेक्शंस में जाएंगे तो 200 से स्टार्टिंग है, ऐसे अपवर्ड अपना 15,000-20,000 तक है, ट्रेडिशनल कलेक्शन तक जाते हैं तो अपने।
हमारे पास, मेरा नाम महक है, महक शर्मा, एंड हम बहुत अलग अलग कलेक्शन है, मतलब रिंग्स है बच्चों के, मतलब हर एक एज के लोगों के लिए है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे चोकर सेट्स है, इस टाइप के एडी कलेक्शंस में है, एंड देन पर्ल क्लिक्स है डायमंड में, एंड देन ब्राइडल सेट्स भी है अवेलेबल, एंड देन फॉर यंग गर्ल्स वी हैव दीज टाइप्स ऑफ पेंडेंट सेट्स एंड डिफरेंट वराइटीज ऑफ लाइक दिस चूड़ास आर देयर आंटियों के लिए, मतलब अगर चूड़ा पहनना चाहे तो बहुत अलग अलग टाइप के, ये जैसे 500 का है, एंड ये पेंडेंट सेट्स 150 के मिल जाएंगे, ये क्लिप्स 50 rupees पर पीस है, एंड हमारे पास ये एड़ी के मंगलसूत्र भी है, मंगलसूत्र एंड ईयर रिंग्स है, एंड इनका भी प्राइस 350 है लाइक दैट, एंड रिंग्स है अलग अलग टाइप के, हमारा स्पार्कल्स कलेक्शन है, स्पार्कल्स कलेक्शन, हाँ बैनर फर्स्ट टाइम है सो एक्चुअली अभी उतना प्रेपरेशन से, तो यस क्या एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, सबसे इंट्रैक्शन हो रहा है, एंड इट इज़ नाइस, अच्छा नेक्स्ट टाइम अपने ब्रांड के साथ अपने बैनर या कुछ भी आपका जो है वो लेकर आना पड़ेगा, वो अदरवाइज कोई समझ नहीं पाए। स्टॉल नंबर 37 संगीता चौधरी, स्टॉल नंबर 37 संगीता चौधरी जी का है क्या? तो गिफ्ट है संगीता चौधरी जी के लिए, है हम लोग तो जीवारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या क्या है आपके पास? हम लोगों के पास अभी डायमंड में है आपका, रिंग है, ठीक है, पेंडेंट सेट है, इयर रिंग्स है, और ब्रेसलेट भी है, वो अभी नीचे हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर पे है तो इसलिए रख के आए हैं। एक पहचान के इस एग्जीबिशन कम सेल में हमें एक ऐसा स्टॉल मिला जिसे हम कभी सोच नहीं सकते थे। जी हाँ, यहाँ पर प्राणिक हीलिंग का एक कोर्स के लिए यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है। अपने दर्शकों को हम तो बताएंगे ही कि प्राणिक हीलिंग आखिर होती क्या है, लेकिन जिन लोगों को अगर हीलिंग का मतलब समझ में आ गया तो वो ज़रूर समझ जाएंगे कि आखिर प्राणिक हीलिंग होती क्या है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर पूनम जी मौजूद है, उनसे बातें करते हैं। यहाँ पर ये स्टॉल लगाने का मुख्य कारण? हमारा मुख्य कारण, मैं प्राणिक हीलर हूँ एंड वुड बी ट्रेनर हूँ यहाँ प्राणिक हीलिंग फर्टर्निटी से। प्राणिक हीलिंग एक नो टच नो ड्रग थेरेपी है जिसे बिना टच किए कोई भी आदमी अपने और अपने घर वालों की मदद कर सकता है। छोटे मोटी बीमारी, घर में डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है उन्हें जस्ट अपने हाथ हिला के अपने सॉल्व कर सकते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी ईजी टू लर्न। आज हमारा यहाँ पर मोटो है कि हम ये प्राणिक हीलिंग के बारे में लोगों को स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड कर सके कि ये किस तरीके से काम करता है एंड कितना यूजफुल है, एंड हर घर में, मास्टर का हमारा ये एक मोटो है कि इन एवरी हाउस देयर शुड बी वन प्राणिक हीलर। थैंक यू। पारिशा अग्रवाल, एक्चुअली हम इवेंट प्लानर्स है, सो वंडर एंजल्स नाम है हमारे कंपनी का। ये गिफ्ट आइटम्स हम लोग इवेंट में जो गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट के तौर पे देते हैं तो इसलिए हमने वही सब प्लेस किया है, और क्योंकि राखी का सीजन है तो हैंडमेड राखीज है, पोशाक है भगवान जी के, तो गिफ्ट आइटम्स आ रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन बेसिस पे वर्क करते हैं। ये हमारा कार्ड है, प्लैटर्स एंड ऑल सब बनाते हैं, वांडर एंजल्स हैंडमेड प्लैटर्स, केक, हैम्पर्स, ये सब पड़ी है। नाम विनय मोहता। विनय जी, क्या चीज़ का स्टॉल लगाया? ये हम लोग ने लड्डू गोपाल जी के सारे श्रृंगार और अपने पूजा का सामान का सारा लगाया, ज्वेलरी से लेकर के झूला से लेकर के गहना से लेकर के सारे चीज़ आप देख रहे, जैसे वृंदावन से लेकर के राजस्थान से लेकर के गुजरात से लेकर सारे जगह का सामान हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। यार में बांसला में दुकान है, जरूर से पधारें। बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी होती है जब लेडीज़ घर की चार दीवारी से निकलकर चौका चूल्हा करते करते अपना एक साइड कुछ इंटरेस्ट उसको आगे बढ़ाती हैं। देखिए, मैं कहती हूँ अपने सपनों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, प्लस अपने आप को बिज़ी रखना, क्योंकि हम आज एक उम्र के इस पड़ाव में है, मुझे लगता है कि आफ्टर 40 आपको बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे अपने कोई ऐसी लाइन चूज़ कर लेते हैं, कहिए तो अपनी पढ़ाई या फिर किसी का ट्रांसफ़र, कोई बाहर सेटल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आप अल्टीमेटली घर में क्या कर रही हैं, या तो टीवी या मोबाइल। इसलिए कुछ ऐसा करिए जो हम बचपन में अपने हॉबीज़ को पूरा नहीं कर पाए, वापस से उसे शुरू करिए, तो अच्छा लगता है। लेडीज़ आज आगे बढ़ रही हैं अपने इंटरेस्ट का, जो भी काम, जो भी आपको इंटरेस्ट है वो करना बहुत ज़रूरी है,
अपने सपनों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम। एक छोटा सा और एक मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, एक महिला को कैसे आगे बढ़ के कुछ करनी चाहिए, जैसे आपने कहा बहुत ही अच्छी लाइन कही है महिलाओं को आगे निकल के करनी चाहिए, इसके अलावा? मैं ये कहूँगी कि अगर आपको आपके परिवार की तरफ से हाँ है कि अगर आप मतलब वो अगर आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप आगे बढ़िए, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, बस आगे बढ़ते रहिए। अपना एक गोल बना लीजिए कि मुझे ये करना है, तो वो ज़रूर आप पूरा कर पाएंगे। रचना मिश्रा है और मैं आज यहाँ पे एआर फैशन और कला कॉस्मेटिक की तरफ से कलेक्शन लगाई हुई हूँ इस एग्जीबिशन में। ये मेरा बीका बैंक्वेट का सेकंड एग्जीबिशन चल रहा है और हमारे पास डिजाइनर गाउन्स हैं, कफ्तान है, नाइट ड्रेसेस है, नाइट पैंट्स है, डिजाइनर्स बेल्ट्स हैं और हमारे पास गिफ्ट आइटम्स काफ़ी सारा है, पर्सेस वगैरह। और हमारे पास ड्रेसेस में कलेक्शंस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इवन कि अगर आप हमारे स्टोर्स में किसी कोई विजिट करता है जो कि पंचशील में ही है हम लोगों का शिवपुर की तरफ, तो वहाँ पर आपको बहुत वैरायटी ऑफ ज्वेलरीज से लेकर सारे कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। 1500 से कुर्ती और पैंट्स के साथ शुरू होकर आपके 5000-6000 तक के रेंज के सारे ड्रेसेस भर। ये पर मिनिमम रेंज का भी आपको दिखा दे रही हूँ कलेक्शन की क्या है। तो ये है हमारा 1700 के रेंज की कुर्ती। और लेडीज ही नारी है, वो बड़ी भा सकती है। आज ये मेरी बेटी है, बेटी बहू आई घर में, लेकिन बेटी से ज़्यादा बढ़ करके ये हमारा कर रही है एजुकेशन, और हम इसको इतने फ्री हैंड दे रखे हैं हमारे मिसेज हम दोनों के भी आगे बढ़े। हमारे घर में महिलाओं को एक नंबर की अहमियत है, उसके बाद में पुरुष है, क्योंकि नारी ही जाति सबसे ज़्यादा एक नंबर में रहती है और हमारी बेटी तो एक नंबर है ही है, क्योंकि जिस तरह के एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, जिस तरह से मार्केटिंग कर रही है, जिस तरह अपनी सहेलियों को सर्कल को बना के रखी हुई है, इनको बना के सबकी, और ये हम तो भगवान से दुआ करते हैं। और तद इसमें मेरा नाम एकता कौर है और मेरी ब्रांड का नाम है फैशन एसेंशियल्स। मेरा प्रॉपर मतलब कम्प्लीटली वेस्टर्न ड्रेसेस रहते हैं, वेस्टर्न आउटफिट्स रहते हैं पूरे। देखिए मेरा यहाँ पे ऐसा है ना कि भाई मेरे यहाँ पे बंधे बनाए कस्टमर्स हैं, वो आके मेरे को कोई ले या ना ले तो एक कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर देके जाते हैं, इसलिए मेरा यहाँ पर परमानेंट ही है। मैं नहीं लगाऊंगी तो इनको मतलब सब कस्टमर्स आके एक बार इंक्वायरी ज़रूर करते हैं कि भाई ज़रूर लगाइए, आप क्यों नहीं आए, आपको हम लोग खोज रहे थे। तो ये चीज़ है कि भाई इसीलिए मैं हमेशा ही आपको यहाँ मिलूँगी। हाँ मेरा प्रॉपर मैं घर से करती हूँ वीडियो कॉलिंग में, प्लस उनको सारा डिस्प्ले सब प्रॉपर दिखा देती हूँ, ड्रेसेस वगैरह जो कंफर्ट फील नहीं करता है ना। नहीं अभी तक मैंने ऑनलाइन साइट नहीं बनाई क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है यहाँ सबसे, तो मैं एग्जीबिशंस में ही ज़्यादा रहती हूँ। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वगैरह सब कुछ है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कहीं से भी कर सकते हो, मैं कुरियर करवा देती हूँ ड्रेसेस। कराओगी? मेरा स्टॉल का नाम और मेरा ब्रांड का नाम गिफ्ट होलसेल वाला है। मैं गिफ्ट आइटम्स और हेयर एसेसरीज रखती हूँ जो होलसेल रेट्स में आप रिटेल में भी ले सकते हैं एंड क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। गिफ्ट आइटम में आप देख सकते हैं लंच बॉक्सेस हैं, बॉटल्स हैं, पेंसिल पाउचेज हैं, लेडीज़ के लिए वॉलेट्स हैं, कॉइन पाउचेज हैं, स्टेशनरी में पेंस हैं, पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं, शार्पनर्स हैं, और लेडीज़ के लिए आपको मिल जाएगा कॉस्मेटिक्स में नेल पेंट्स, हेयर बैंड्स है, क्लिप्स है, स्क्रंचेज, बॉटल्स वो रहे इंसुलेटेड।